तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटिंग ब्रशेस के बारे में पेंटिंग ब्रशेस बाय करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है बिगनर्स के लिए तो डेफिनेटली ये एक गाइड वीडियो है बिगनर्स के लिए जहां हम बिगनर्स जान पाएंगे ब्रशेस को और डिटेल्स में ठीक तो ये पार्ट वन है फिर एक पार्ट टू भी है आप लोगों के लिए तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ब्रशेस बताने वाली हूँ और उनका डिटेल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस होता चला जाता है पेंटिंग का तो वैसे वैसे हमको पेंट ब्रशेस की बहुत अच्छी नॉलेज होती चली जाती है लेकिन शुरुआत में एक गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां कोशिश करी है मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने की जहां मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी यहां पर कुछ ब्रशेस ठीक है तो यहां पर ये सारे ब्रशेज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने दो पार्ट्स में कर दिया वीडियो को इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इन ये जो ब्रशेज आप लोग देख रहे हैं इसके रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों को दूसरे पार्ट में मिलेगा ठीक है तो यहां पर हम देख लेते हैं कि आज हम कौन से ब्रशेज की बात करेंगे सबसे पहले मॉप ब्रश जो कि हमको एकालिक पेंटिंग के लिए भी चाहिए रहता है वाटर कलर पेंटिंग में भी चाहिए रहता है मॉप ब्रश हमको बहुत रिक्वायर्ड रहता है अगर हमारे पास मॉप ब्रश नहीं है तो हम इस तरह से ये जो हमारा मेकअप ब्रश होता है इसको भी एज अ मॉप ब्रश यूज कर सकते हैं आ, तो इसके यूज़ेस देख लेंगे आज हम इसके साथ आ, आ, कभी भी कंफ्यूजन होता है ब्रश के रिगार्डिंग तो एक बार अगर हमको गाइडलाइन मिल जाती है तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है तो यहाँ पर देख देखें ये वाला जो लाइनर ब्रश है जो आपको दिखा रही हूँ इसके बारे में बताऊंगी साथ ही साथ में यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो कॉम ब्रश बता रही हूँ यहाँ पर इसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ साथ ही साथ में यहाँ पर डियर फुट ब्रश है ये इसका भी बताने वाली हूँ ठीक है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है डेफ़िनेटली अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो हाय मेरा नाम पूजा है और शेयर करती हूं बटन दबाइएगा साथ तो ही तो साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि बेल नोटिफिकेशन अगर आप नहीं दबाएंगे तो मेरे कोई ना कोई लेटेस्ट अपलोड आप मिस कर जाएंगे ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइनर ब्रश की यहां पर लाइनर ब्रश मैं आप लोगों को दिखाने

ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपने पेंट को ब्रश के अंदर अच्छे से लोड नहीं किया है तो आपको ये वाला इफेक्ट नहीं मिलेगा जो मैं यहां दिखा रही हूं यहां पर देखिए डिटेल्स हम कर सकते हैं लाइनिंग वर्क हम कर सकते हैं लेटरिंग uh, हम जो लिख सकते हैं हम अल्फाबेट्स वगैरह भी हम लिख सकते हैं साथ ही साथ में हम फाइन uh, डिटेल्स के साथ थिन लाइंस के साथ भी वर्क कर सकते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो ऑफ ब्रश से अपने सिग्नेचर्स बन करते हैं अपने आर्ट वर्क के ऊपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ऑफ ब्रश बहुत डिटेल्स करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है और पहला जो एक रूल है जब भी आप ब्रश यूज़ करें तो पहले ब्रश को डिप करें वाटर के अंदर उसके बाद ही उसको पेंट के अंदर डिप करें ये पहला रूल आप आ, बिल्कुल अच्छे से समझ लें जब आप पेंट ब्रश यूज करते हैं तो देखिए ये वाला जो मैं आपको पेंट ब्रश दिखा रही हूँ इसके ब्रिसल्स छोटे हैं ठीक है लाइनर ब्रश है कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लाइनर ब्रश में और राउंड ब्रश के अंदर तो रिजेंबल करते हैं आपस में राउंड ब्रश के साथ लाइनर ब्रश भी लेकिन इनके ब्रिसल्स लॉन्ग होते हैं और ये बहुत थिन होते हैं ठीक है तो देखिए ये आप समझ पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे अच्छे से कंपैरिजन ब्रिसल्स में कंपैरिजन देख पा रहे होंगे आप तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं डिटेल वर्क के लिए अब हम देख लेते हैं कि हम मॉप ब्रश के बारे में बताने वाली हूं मैं यहाँ पर तो सबसे मैंने सबसे पहले मैंने फिल्बर्ट ब्रश ले लिया है यहाँ पर और आ, थोड़ा सा यहाँ पर अपना एक मैं क्योंकि मॉप ब्रश कर रही हूँ तो यहां पर मॉप ब्रश जो है वो ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं तो यहाँ मैं आपको कुछ ब्लैंडिंग करके दिखाने वाली हूँ मॉप ब्रश से तो इस तरह से मॉप ब्रश हम यूज कर सकते हैं हमारी पेंटिंग में ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है पेंटिंग का तो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो डेफिनेटली आप चैनल पर जाकर देखेगा आपको बहुत ही बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलेंगे बहुत सारी नॉलेज मैंने शेयर कर रखी है आर्टवर्क आर्टवर्क के रिगार्डिंग पेंटिंग के रिगार्डिंग साथ ही साथ में मैंने बहुत सारे यूजफुल वीडियोज आप लोगों के लिए क्रिएट कर रखे हैं तो यहां पर देखिए ये वाला ब्रश है डियर फुट ब्रश और यहाँ पर इसके प्रोसेस बड़े ही अनइवन से हो रहे हैं ठीक है और ये ज़्यादातर यूज आता है ट्री ट्रीज के अंदर जो ब्रांचेस, ट्रीज के अंदर जो हम लीव्स का इफेक्ट देते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है और साथ ही साथ में हम बुशेस क्रिएट कर सकते हैं इससे इस तो अच्छा रहता है ये जब हमको इस तरह से इफेक्ट देना है हमारे ट्री के ऊपर तो ठीक है इस तरह से जब हम टैप करेंगे इसको तो हमको ये वाला इफेक्ट मिलेगा और ये वाला इफेक्ट बहुत ही अच्छा रहता है अगर हमको बुशेस क्रिएट करनी है या फिर हमको ट्री के अंदर लीव्स uh, वाला इफेक्ट क्रिएट करना है uh, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है ये वाला इफेक्ट तो इसके लिए ये ब्रश काफ़ी यूजफुल रहता है ब्रशेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पिगनर्स को ब्रशेज की नॉलेज अगर आपको होगी तो आपको बहुत इजी रहेंगे ब्रशेज बाय करने ठीक है तो अच्छे से समझ लीजिएगा ब्रशेज को उसके बाद ही ब्रशेज बाय करिएगा क्योंकि जो कॉमनली यूज ब्रश होते हैं वो होते हैं राउंड ब्रश या फिर फ्लैट ब्रश जो हम ज्यादातर कॉमनली यूज करते हैं तो यहाँ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ ब्रशेस की भी नॉलेज दे रही हूं जिससे आपको जानकारी हो जाए तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूं कोम ब्रश ये कोम जैसे होते हैं और बड़े ही सॉफ्ट ब्रिशल है क्योंकि यहाँ सिंथेटिक हेयर में बात कर रहे हैं हम ठीक है तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स निकल के आते हैं इन ब्रशेस के ये ब्रशेस वाटरफॉल के लिए बहुत अच्छे रहते हैं हेयर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं आईलैशेस बना सकते आप इससे तो ये ब्रशेस बहुत अच्छे रहते हैं ग्रास इफेक्ट बहुत अच्छा निकल के आता है इन ब्रशेस से तो बहुत अच्छे रहते हैं दो तरीके कोम ब्रशेस हैं यहां पर मेरे पास और दोनों ही तरीके मैं आप लोगों को दिखा देती हूं दोनों का इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तो यहां पर देखिए ग्रास बना लेते हैं हम और बहुत अच्छे देखिए यहां पर कितना अच्छा निकल के आए हैं ब्रिसल्स एक बहुत ही ब्यूटिफुल ब्रिसल्स यहाँ पे इफेक्ट दिया है इन ब्रिसल्स ने तो ये कम ब्रशेज हैं बहुत अच्छे रहते हैं वेव्स वगैरह बनाने के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं ये ब्रशेस तो बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है यहाँ पर आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास कि मैम ब्रश पेन ब्रशेस के रिगार्डिंग वीडियो बनाएं तो बिल्कुल ये पेन ब्रशेस के रिगार्डिंग वीडियो है आप लोगों के लिए ही डेफिनेटली अगर आप किसी बिगनर को जानते हैं और आपको लगता है कि उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ठीक है तो यहाँ देखिए इस तरह से हम बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका निकल के आता है जब हम ये वाली कोम ब्रशेज यूज करते हैं तो ये कोम ब्रशेस ये पूरा सेट मेरे साथ मेरे पास एक साथ आया था इसके अंदर एक साथ ये सारे ब्रशेस थे तो मैं कोशिश करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पूरे सेट का लिंक प्रोवाइड कर सकूं जिससे आप डायरेक्टली लिंक पर जाकर बाय कर सकें ठीक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा मुझे साथ ही साथ में मेरे दो चैनल्स और हैं जिसमें एक चैनल जिसमें मैं केवल एक्रालिक पेंटिंग्स की बात करती हूँ और दूसरा चैनल जिसमें मैं वाटर कलर की बात करती हूँ तो अगर आप देखना पसंद करते हैं मुझे जानना चाहेंगे और ज़्यादा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेंगे आप जाकर सब्सक्राइब करिएगा दोनों चैनल्स को ठीक है तो ये देखिए कितना अच्छा वेव्स वाला इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है जब हम इस कोम ब्रश को यूज़ कर रहे हैं तो ये दो दो तरह के कॉम ब्रशेज हैं एक के ब्रिसल्स थोड़े से बड़े थे और एक के थोड़े शॉर्ट ब्रिसल्स थे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें यहाँ पर आ, कुछ छोटी सी वराइटी ब्रशेज की थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक जो पार्ट टू है वो देखेगा ठीक है थैंक यू सो मच बाय